ओके जी, क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। पेज 337 से दो सवाल आपको होमवर्क दिए थे, हो गए थे। आइए डिस्कस करते हैं सवालों को, और फिर वो एंट्री भी कल की रहती है, वो भी डिस्कस करनी है आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 5, ऑन 1 जनवरी 2021 जाजेब लिमिटेड परचेज एन एसेट एट अ कॉस्ट ऑफ ₹1,00,000 एंड इट इज़ बींग डेप्रिशिएटेड ओवर 10 ईयर्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस। GL uses cost model for measurement of property, plant, equipment. Cost model से हमें क्या पता लगा? इससे पता ये लगा कि अगर reversal of impairment हो गई तो सिर्फ उस हद तक होगी जिस हद तक उसकी book value होती अगर impairment ना होती। ठीक है, तो cost model से हमें यह पता लगा। नहीं, मैंने कोई गलत बात की है? अच्छा, excited है, उड़े हुए आप लोग। ओके, तो 1 जनवरी 2021, ठीक है, 21 की depreciation होगी, और 31 दिसंबर 2022 देर आर इंडिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट एंड रिकवरेबल अमाउंट हैज़ बीन एस्टिमेटेड एट ₹64,000। तो शायद 21 की डेप्रिसिएशन के बाद 22 की डेप्रिसिएशन होगी, और 22 की डेप्रिसिएशन के बाद क्या करना पड़ेगा, उसके बाद फिर हमें इम्पेयरमेंट टेस्ट करना पड़ेगा कि इम्पेयरमेंट हुई कि ना हुई। ठीक है, उसके बाद 31 दिसंबर 2024 को देर आर इंडिकेशन ऑफ रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट एंड रिकवरेबल अमाउंट हैज़ बीन एस्टिमेटेड एट ₹70,000। तो इसका मतलब यार, मतलब कभी बोर्ड साफ होते नहीं देखा आप लोगों ने? सारे वो देखे जा रहे हैं यार, सवाल पे देखें यार, देख लें कैसे होता है ये। नहीं, देख लें समीर, फोकस करें यार, कैसे होता है वो भी देख लें। ऑनलाइन वालों को भी तजस्स होगा, अजीब लोग हैं यार, देखे जा रहे हैं उधर। सवाल पे हैं, ऑन 31 दिसंबर 2024 देर आर इंडिकेशन ऑफ रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट एंड रिकवरेबल अमाउंट हैज बीन एस्टिमेटेड एट 70,000। तो गालिबन 21 और 22 के डेप्रिसिएशन करने के बाद 22 की इम्पेयरमेंट देखी जाएगी, उसके बाद 23 की डेप्रिसिएशन और 24 की डेप्रिसिएशन, 24 की डेप्रिसिएशन के बाद शायद कोई रिवर्सल है, लेकिन रिवर्सल पे देखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि बुक वैल्यू उस अमाउंट से ऊपर चली जाए जो वैल्यू होती अगर इम्पेयरमेंट ना होती। ठीक है, तो ये काम हमें 24 में करना पड़ेगा। करना क्या है जी, जर्नल एंट्रीज हमें चाहिए इम्पेयरमेंट लॉस की और रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस की। ठीक है जी, कोई मसला नहीं, करते हैं सवाल को सॉल्व। फॉर्मेट हमारा वही है, अच्छा इसमें लिखा हुआ है जनरल एंट्रीज ब्रैकेट में बाय एलिमिनेशन ऑफ एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है। ये एक दूसरा फॉर्मेट है इम्पेयरमेंट की एंट्रीज का, तो ये भी अभी करते हैं। अभी तो हम नॉर्मल तरीके से करेंगे, जिस तरीके से हम अभी तक सवाल सॉल्व करते आए हैं। तो एक ये नया मेथड जो है वो डला है जी हमारे उसके अंदर, एस 36 के अंदर, के आपने रिकॉर्डिंग कैसे करनी है इम्पेयरमेंट की। तो फर्क कोई भी नहीं है, एलिमिनेशन ऑफ एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाल दी गई है, एलिमिनेट कर दी गई है। ओके, तो वो देखते हैं एंट्रीज उसकी क्या है, सवाल को सॉल्व करते हैं भाई। बस ठीक है, जजाक अल्लाह, लेक्चर नंबर आ गया था ना, बट ठीक है, शुक्रिया। सवाल नंबर है जी हमारा 5, क्वेश्चन बैंक का, क्वेश्चन बैंक ही है ना। सवाल चूंकि कॉस्ट मॉडल पे है तो रिवेल्यूशन सरप्लस लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, लेकिन चले फिर भी मैं लिख देता हूं ताकि जरा हमारा फॉर्मेट सेम रहे, वरना लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सवाल ही कॉस्ट मॉडल पे है। तो अगर कॉस्ट मॉडल पे है तो रिवेल्यूशन सरप्लस तो आ नहीं सकता। लेकिन सबसे पहले बताइए कि जी कॉस्ट कितनी है, 100, और किस तारीख को, 1 जनवरी 2021 को। तो 1 जनवरी 2021 को कॉस्ट हो गई हमारे पास ₹100, रुपीज इन 1000 में सवाल सॉल्व कर रहे हैं हम, 1000। उसके बाद एंड इट इज बीइंग डेप्रिशिएटेड ओवर 10 साल ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस, जेएल यूजेस कॉस्ट मॉडल। तो ठीक है भाई, सबसे पहले आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 2021 की, यूजफुल लाइफ 10 साल है, 10, बुक वैल्यू आ गई 90 की। वैसे आप 2022 की भी साथ ही कर सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, चले वन बाय वन करते हैं। डेप्रिसिएशन सेम वही 100 डिवाइडेड बाय 10, 10, और आपकी बुक वैल्यू आ गई 31 दिसंबर 2022 पे 80। यहां तक किसी को कोई इख्तलाफ? ओके, उसके बाद 31 दिसंबर को क्या हुआ, 31 दिसंबर 2022 देयर आर इंडिकेशंस ऑफ इम्पेयरमेंट एंड रिकवरेबल अमाउंट हैज बीन एस्टिमेटेड एट ₹64,000। ले जी, अब क्या करना है कि इसी तारीख को इम्पेयरमेंट टेस्टिंग हो गई और पता ये लगा कि हमारी रिकवरेबल अमाउंट कितनी हो चुकी है, रिकवरेबल
अमाउंट इज नाउ 64। तो इम्पेयरमेंट लॉस आ गया। बिल्कुल जी, इम्पेयरमेंट लॉस हमारा बैलेंसिंग फिगर के तौर पे आएगा। और प्रॉफिट एंड लॉस में 16। क्या एंट्री करेंगे जी इसकी, इस लॉस की क्या एंट्री होगी? डेबिट इंपेयरमेंट लॉस और क्रेडिट सिक्सटीन। ठीक हो गई बात। उसके बाद 2023 और 24 की डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन 2023 जी कैसे निकलेगी ये? अब रिवाइज बुक वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू तो है नहीं हमारे पास, और यूजफुल लाइफ कितनी बनेगी? 10 में से 2 डेप्रिसिएशन हो गई तो 8, और जो सलूक इसके साथ वही सलूक उसके साथ, बोलिए 8 और ये 2 प्लस जी बन गया 56 और ये बन गया 14। ठीक है जी, बुक वैल्यू बन गई हमारी 31 दिसंबर 23 की। फिर 31 दिसंबर 24 को पहले डेप्रिसिएशन फिर इम्पेयरमेंट, क्या करूं 56 डिवाइड बाय 7? यस सर, अल्लाह पूछेगा आप लोगों से। कुछ हुआ ही नहीं, चेंज ही कुछ नहीं हुआ तो क्यों चेंज कर रहे हैं डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन तो वही रहेगी, क्यों 56 डिवाइड बाय 7 होगी अपनी तरफ से? और ये प्लस 2 और ये बन गया 48 और ये बन गया 12। उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ जी? नेक्स्ट हमारे पास 31 दिसंबर 24 को देर आर इंडिकेशंस ऑफ रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट एंड रिकवरेबल अमाउंट हैज बीन एस्टिमेटेड एट 70,000। रिवर्सल हो गई है भाई और रिकवरेबल अमाउंट हो गई है 70। अब क्या मुझे अपने एसेट को 70 तक लेके जाना चाहिए? नहीं सर, चेक करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो चेक क्या करना पड़ेगा भाई? नहीं बोलेंगे जी, क्या लिखूं यहां पर? रिवाइज्ड बुक वैल्यू, और यहां पे लिखूंगा रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस। रिवाइज बुक वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा जी? रिवाइज्ड रिकवरेबल अमाउंट, सवाल में कितनी बता दी गई है? 70। ये 70 है लेकिन बुक वैल्यू हैड देयर बीन नो इम्पेयरमेंट लॉस। इम्पेयरमेंट लॉस ना हुआ होता तो बुक वैल्यू क्या होती? हाँ जी, कैसे निकालेंगे? गालिबन 100 आपकी कॉस्ट थी और 10 आपकी यूजफुल लाइफ थी, यूं ही जिंदगी रहती, इसमें कोई तब्दीली ना होती। तो एक साल की डेप्रिसिएशन आ गई, कितने साल गुजर गए? 1, 2, 3, 4 चार साल की डेप्रिसिएशन कितनी होगी? 40। चालीस लें जी, तो आपकी कॉस्ट क्या निकलनी थी? 100 माइनस 40 यानी कि 60। तो इसका मतलब है कि ये वर्किंग जब आप बनाया करेंगे तो आप हमेशा लोअर ऑफ देखा करेंगे कि दोनों में से लोअर कौन सी है। अगर तो आपकी रिवाइज रिकवरेबल अमाउंट लोअर हो तो फिर ले जाएं उस तक, लेकिन अगर आपकी बुक वैल्यू जो है वो कम हो जाए तो फिर आपने वहाँ पे क्या करना है? आपने ये वाला लोअर लिखना है। तो इसका मतलब है यहाँ पर हम वर्किंग वन से जो रिवाइज बुक वैल्यू निकाला करेंगे वो कितनी होगी? 60। हम इससे ऊपर नहीं जा सकते, इस 60 से ऊपर नहीं जा सकते। ठीक है, ये बात कल क्लियर हो गई थी। तो कितनी रिवर्सल बनती है भाई? 12। और देखिए नजर आ रहा है 12 0। एंट्री क्या होगी? व्हाट विल बी द एंट्री? एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस डेबिट और रिवर्सल क्रेडिट। एक्यूमुलेटेड रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस का मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, 12 और 12 नहीं जी, सवाल खत्म हुआ।
नोट कीजिए जिन लोगों ने नहीं किया हुआ, फिर हम गालिब पे आते हैं जो कि रिवैल्यूएशन मॉडल पे है। माशाल्लाह आधी क्लास नोट कर रही है, ये नहीं हुआ किसी ने नहीं किया हुआ। कोई नहीं, अल्लाह पूछेगा आप लोगों से, और अल्लाह से पहले आई क्या पूछेगा आप लोगों से कि आए थे सीए करने और हरकतें बीए वाले थी। सैटरडे ऑफ होना चाहिए वैसे, ना आपका पढ़ने का दिल करता है, ना मेरा पढ़ाने का दिल करता है, ना उनका रिकॉर्ड करने का दिल करता है। क्यों समीर, ऐसे ही है ना? चलें कोई नहीं, खैर है, अब जो कुछ है ज़िंदगी के साथ ही है। जन्नत में ऑफ करेंगे सैटरडे। क्यों सर? ओह सर, क्या लेवल होगा वहाँ पे? ओह होए होए, कोई काम नहीं, कोई कुछ नहीं, मौजे, बस पहुँच जाएँ किसी तरीके से वहाँ तक। असल मसला ये है, वहाँ पर अकाउंटिंग पढ़ाएंगे, बस कर दें वहाँ पर भी अकाउंटिंग। क्वेश्चन नंबर 6 पे आए, नोट हो गया भाई, जल्दी जल्दी करें भाई नोट, आज ये मैंने स्टैंडर्ड खत्म करा देना। हाँ तो हो गया खत्म, और रह क्या गया पीछे? देखते ऐसे हैं जैसे पता नहीं क्या कभी खत्म नहीं होना था ये स्टैंडर्ड। तू घर नहीं गया आज? आपकी वजह से मैंने तो लगवा दिया कैमरा। अच्छा अच्छा तो फिर ऐसे ही होता ना, डराना तो होता जी। किसकी, कौन सी वाली? हाँ कल तो वैसे ही समझाया था ना, जरा प्रॉपर फॉर्मेट पेपर वाला ये है, ठीक है, कॉन्सेप्ट वही है, वो तो समझाने के लिए मैंने कल कर दिया था, लेकिन असल वर्किंग ये है जिसको आपको लेके चलना पड़ेगा। ज्यादा इधर लिखा गया, माजरत। आप कह रहे हैं एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट करके चले? हाँ वो असल में जो बात आप कर रहे हैं ना वो है, जो एलिमिनेशन ऑफ एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है ना, वो दूसरा मेथड है इंपेयरमेंट का। एक मेथड ये है जिसमें हम एसेट अकाउंट को कुछ नहीं कहते, सिर्फ उसको इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन वहाँ ट्रांसफर नहीं करते, ठीक है। एक मेथड हुआ है जो कि हम अभी कर रहे हैं, एक मेथड हुआ है जिसकी बात आप कर रहे हैं, वो अभी डिस्कस करना है आज। हाँ जैसे मर्जी कर दें, लेकिन ये ज़रा ज़्यादा बेहतर है, ये ज़रा ज़्यादा बेहतर है, यही चलता है ज़्यादा। कर दोनों से सकते हैं, है वो भी ठीक, लेकिन चलता ज़्यादा ही है। नहीं एंट्री उसके हिसाब से आप पहले एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट करेंगे और एसेट क्रेडिट करेंगे, हाँ ठीक है, और उसके बाद दूसरी एंट्री। हाँ जी एसेट क्रेडिट, एसेट डेबिट, एसेट क्रेडिट। अच्छा इम्पेयरमेंट लॉस से एसेट, अच्छा प्रॉफिट लॉस डेबिट हो जाएगा इम्पेयरमेंट लॉस। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ वो दूसरा मेथड है, वो भी डिस्कस करना है इसके बाद एग्जांपल में ना, एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करते हैं, पहले वो पिछले एग्जांपल की एंट्रीज देख लें, उसके बाद फिर उस पर चलते हैं। चलिए जी आइए सवाल नंबर 6 के ऊपर, गालिब लिमिटेड। सवाल बिल्कुल सेम है, डाटा ऑब्वियसली थोड़ा चेंज है, लेकिन फ़र्क क्या है, ये वाला सवाल कॉस्ट मॉडल पे नहीं है, ये वाला सवाल रीवैल्यूएशन मॉडल पे है। तो देखते हैं जी रीवैल्यूएशन मॉडल और कॉस्ट मॉडल की इंपेयरमेंट में क्या फ़र्क है। वैसे तो आपको पता है कि रिवर्सल करते हुए कॉस्ट मॉडल के अंदर हम अपनी रिकवरेबल अमाउंट को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं उस वैल्यू पे जो अगर होती अगर इंपेयरमेंट ना होती, ठीक होगी बात, बात समझ आ गई। लेकिन रिवैल्यूएशन में ऐसा नहीं होता, क्योंकि रिवैल्यूएशन के अंदर हमने एसेट की रिवैल्यूएशन करनी ही होती है, उसकी वैल्यू लगवानी ही होती है, तो अगर वो ऊपर भी चली जाए तो कोई मसला नहीं, हम उसको रिवैल्यूएशन सरप्लस पर ले जाते हैं। ऑन 1 जनवरी 2021 गालिब लिमिटेड परचेज एन एसेट एट अ कॉस्ट ऑफ 1 लाख एंड इट इज बींग डेप्रिशिएटेड ओवर 10 साल ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस, ठीक हो गया।
ऑन 31 दिसंबर 2021 पहले ही साल द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट वॉज डिटरमिन्ड टू बी 121,500 एस जी एल अप्लाइज रिवैल्यूएशन मॉडल टू इट्स प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। तो पहले ही साल क्या हुआ, एसेट की रिवैल्यूएशन हो गई और एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई। ऑन 31 दिसंबर 2023 यानी कि 2 साल बाद देयर आर इंडिकेशंस ऑफ इंपेयरमेंट एंड रिकवरेबल अमाउंट हैज बीन एस्टिमेटेड एट ₹65,100 और हमारे पास रिकवरेबल अमाउंट आ गई। ठीक है, कोई सरप्लस पड़ा होगा उसके अगेंस्ट एडजस्ट कर देंगे, बाकी लॉस में ले जाएंगे। फिर 2 साल बाद 2025 में देर आर इंडिकेशन ऑफ रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट एंड रिकवरेबल अमाउंट हैज बीन एस्टिमेटेड एट 55,000। तो ठीक है, देख लेंगे रिवर्सल हम किस हद तक कर सकते हैं। तो ठीक है जी, सवाल का फॉर्मेट बनाते हैं। अब इस सवाल में रिवैल्यूएशन सरप्लस का कॉलम बनना चाहिए। जी बताइए, एसेट कब खरीदा गया? ये कम जनरली 21, कॉस्ट कितनी है 100। ओके, उसके बाद साल के आखिर में रिवैल्यूएशन हुई है कि साल के शुरू में हुई है? आखिर में, लेकिन डेप्रिसिएशन तो फिर पहले ही चार्ज होगी। 10,090 बुक वैल्यू 31 दिसंबर 2021। उसके बाद नेक्स्ट हम हमें कह रहे हैं जी ऑन 31 दिसंबर द फेयर वैल्यू बला 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 121,500 इज दी रिवैल्यू रिकवरेबल अमाउंट के रिवैल्यूड अमाउंट एक लाइन छोड़ के लिखा जाएगा 121.5। तो बताइए रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना हुआ? 31.5 और सरप्लस में भी आ गया 31.5, तो 31.5। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट फरमाता है कि 31 दिसंबर 2023 को इंपेयरमेंट हुई, तो 2 साल की डेप्रिसिएशन पहले चार्ज करें भाई। 31 दिसंबर 2022 डेप्रिसिएशन, अब रिवाइज्ड बुक वैल्यू ये कंसिडर होगी और रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी है जी? 1 साल 2 साल? ये गलती नहीं हो गई? नहीं होगी, सॉरी, नहीं, ठीक है ओके, हाँ 1 साल है, डिवाइड बाय 9 और जो सलूक इसके साथ वही सलूक इसके साथ, 31.5 डिवाइड बाय 9, बोलिए 13.5 जी बताइए, 108.28 और बुक वैल्यू बन गई 31 दिसंबर 2022 पे। फिर 23 की डेप्रिसिएशन, क्योंकि इंपेयरमेंट हुई ना तो पहले तो डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, 108 डिवाइड बाय 8, नहीं भाई, 121.5 डिवाइड बाय 9, 31.5 डिवाइडेड बाय 9 जी बताइए 13.5 और ये 3.5 जी बोलिए 94.5 उसके बाद इम्पेयरमेंट हुई है, इम्पेयरमेंट के लिए एक लाइन छोड़नी पड़ेगी, क्या वैल्यू है? 65.1 इम्पेयरमेंट लॉस हो गया। ट्वेंटी नाइन पॉइंट फोर में सबसे पहले एडजस्टमेंट होगी रिवैल्यूएशन सरप्लस की और बाकी 4.9 एंट्री बता दें इसकी क्या होगी। अच्छा, यहां पे एंट्रीज मेरे ख्याल में आपको पता है क्या एंट्री करेंगे, यहां पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट 10 से, एसेट क्रेडिट 10 से, ऐसे ही है। उसके बाद एसेट डेबिट 31.5 से, रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट 31.5 से। डेप्रिसिएशन की एंट्री डेबिट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, क्रेडिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और इंक्रीमेंटल डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट रिटेंड अर्निंग। मेरे ख्याल में ये चीजें आपको पता है, इसकी एंट्रीज मैं दोबारा नहीं कर रहा, यहां पर आके एंट्री करते हैं जी। क्या एंट्री होगी? रिवैल्यूएशन सरप्लस सबसे पहले खत्म किया जाएगा 24.5 से, फिर इंपेयरमेंट लॉस 4.9, ट्वेंटी नाइन पॉइंट फोर से।
और ये हम क्रेडिट एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट जो करते हैं ना, असल में ये क्रेडिट एसेट ही हो रहा होता है, क्योंकि आपको पता है इसने बैलेंस शीट में जाके कॉन्ट्रा हो जाना होता है ना, तो असल में तो इसकी वैल्यू गिरा रहा है, तो इसलिए ये समझ लें कि क्रेडिट एसेट ही हो रहा है इंडायरेक्टली। ठीक है, चलें जी, तो ये ज़ीरो हो गया 4.9। 24 में कुछ हुआ है क्या? बट डेप्रिसिएशन ही है, ओनली डेप्रिसिएशन, लेकिन अब डेप्रिसिएशन करने के अंदाज बदल जाएंगे। 65.1 डिवाइडेड बाय कितने साल रह गए? 7 साल रह गए। हाँ ठीक है, 1, 2, 3, तो 10 में से 3 गए 7, तो जो सलू किसके साथ वही सलू किसके साथ? 4.9 डिवाइडेड बाय 7, बोलिए 9.3, ये बताइए 0.7, बोलिए। अच्छा अंदाज बदल गया ना, इसलिए कि इंपेयरमेंट हुई ना, तो डेप्रिसिएशन का अंदाज बदल गया, पहले डिवाइड बाय 9 था, डिवाइड बाय 7 हो गया, तो आपको पता है इंपेयरमेंट के बाद हम ये काम करते हैं। बताइए, बोलिए 4.2 नेगेटिव, और ये हमारी बुक वैल्यू बन गई 31 दिसंबर 24 की, और वो आ गया जिसका सबको इंतजार था। सोचिए आप 2025 में सीए क्वालिफाई कर चुके होंगे कि नहीं? इंशाल्लाह कैसे कर चुके होंगे, 2 साल के आर्टिकल होते हैं। यस सर जी, डेप्रिसिएशन 65.1 कोई फर्क नहीं है इसके अंदर, इसमें भी कोई फर्क नहीं है, 9.3 प्लस 0.7, खामोश हो जाए भाई, खामोश हो जाए। बुक वैल्यू पहले बड़ी टेंशन पड़ गई है, जगह खत्म होने वाली है, 46.5 ले जी। उसके बाद रिवर्सल है, एक लाइन छोड़कर हम लिखेंगे रिवाइज्ड बुक वैल्यू लिख दें या रिकवरेबल अमाउंट लिख दें, कितनी है भाई? अब आंखें बंद करके लिख दें, ये कोई मसला नहीं, क्योंकि कौन सा कॉस्ट मॉडल है, कॉस्ट मॉडल होता तो तब मुझे देखना पड़ता कि बुक वैल्यू कितनी होती अगर इंपेयरमेंट ना होती। तो बताइए जी कितनी रिवर्सल हो रही है, रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट 8.5 जी, 8.5 में से 3.5 यहां पे एडजस्ट हुआ और बाकी का 5 बचा, 5 आ गया इधर, तो 5 और ये 0। आगे डेप्रिसिएशन आपको पता है वैसे ही होगी, यहां तक नोट करें, उसके बाद इसकी एंट्री डिस्कस करते हैं जो कल रह गई थी। पहले एग्जांपल की एंट्री पे आते हैं, फिर इसकी एंट्री पे आते हैं, बल्कि डायरेक्ट इसी की एंट्री कर लेते हैं। नोट कर रहे हैं कोई के नहीं? ओके अच्छा, फखर से बता रहे हैं, हम कर रहे हैं, होमवर्क था। पेज 336 पे 3 सवाल है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, आई कैप क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन 1 स्काईलाइन, क्वेश्चन 2 नवीद, क्वेश्चन 3 हुसैन, नजर आ रहा है सबको? ये तीनों आपका आज का होमवर्क है। संडे है, कल करना क्या आप लोगों ने जी? अच्छा ट्रिप है कल, किधर जा रहा है? अच्छा वो मांगा मंडी, आप लोग तो नहीं जा रहे, आप लोग तो पढ़ने वाले लोग हैं। क्वेश्चन 1, 2, 3 होमवर्क है जी, रिवीजन मैंने 10 मिनट में क्लास में करा दी थी, आप तो खुद करेंगे तो 7 मिनट में कर लेंगे। कॉमा पीआरसी, या तो कॉमा पीआरसी का ही बता रहा हूं,
कॉमा कैफ होते तो फिर 3 मिनट लगने थे आपको। क्वेश्चन 1, 2, 3 चले आज तो ही ना ट्रिप, आज तो हो सकता है ना होमवर्क। पर्सनल इंपेयरमेंट का लेजर नहीं, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही होता है। ये आपका असल में रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट मैं डिस्क्रिप्शन में लिख रहा हूँ, लेकिन असल में ये प्रॉफिट एंड लॉस होता है। अब देखें ये जो इसकी एंट्री जो है ना, अभी हम देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ क्या करनी है, आप क्लियर हो जाएंगे। अभी एंट्री में समझाता हूँ ना तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हाँ, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट है ना, आपको समझ आ जाएगा कि रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट का मतलब असल में क्या है। ओके जी, एंट्रीज पे आए, एंट्रीज पे आइए प्लीज़। प्लीज़ खामोशी, प्लीज़ इधर देखिएगा। एंट्री की डिस्कशन होने लगी है जो कल रह गई थी। क्या हमारा एसेट 8.5 से बढ़ा है? बोले बड़ा 8.5 से, तो क्या मैं एसेट को डेबिट कर सकता हूं? आपके सामने एसेट जो है 8.5 से बड़ा। ओके, क्या रिवैल्यूएशन सरप्लस के अंदर 5 आ रहा है? और क्या इंपेयरमेंट लॉस की रिवर्सल हो रही है, यानी कि मैं कह सकता हूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3.5। सादी सी एंट्री है, कोई मसला इसके अंदर, कोई इशू इसके अंदर, कोई इशू नहीं है। लेकिन नॉर्मली ठीक है, एंट्री ये सही है, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन हम एसेट को डेबिट नहीं कर रहे होते, ठीक है, हम एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट को डेबिट कर रहे होते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि अल्टीमेटली इसने भी जाके बैलेंस शीट में क्या करना है, बैलेंस शीट में जाके अल्टीमेटली इसने भी कॉन्ट्रा हो जाना ना। तो अगर आपका एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस कम हो जाएगा तो इफेक्टिवली तो एसेट की बुक वैल्यू बढ़ जाएगी। मिसाल के तौर पर एसेट की कॉस्ट है 100 रुपया और एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट पड़ा हुआ है 30, तो बुक वैल्यू आ रही है 70। अगले साल रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट हुई और ये 30 कम होके 10 हो गया, तो देखें एसेट की वैल्यू बढ़ नहीं गई। तो इसका मतलब है आप एसेट को डेबिट कर दें या एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस को डेबिट कर दें, बात एक ही है, अल्टीमेटली उसने एसेट को ही इतने से बढ़ाना है। तो हम एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट को इसलिए कर देते हैं कि पीछे कहीं हमने एसेट को चेंज नहीं किया हुआ, तो इसलिए हम नॉर्मली एसेट को नहीं करते हैं, हम एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट को डेबिट करते हैं। लेकिन अगर आप एसेट को डेबिट भी कर देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट का मतलब असल में ये है। ओके, बात समझ आ गई सबको? नहीं, ओके, दोबारा सुन लेते हैं। देखिए, जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में हमारे पास बनता है नोट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का, 100 हो गई कॉस्ट, कोई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी हो गई मैंने लिखी नहीं, और ये हो गया 30 का एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस और आपकी बैलेंस शीट में आ गई बुक वैल्यू। अगर 100 रुपये की कॉस्ट थी और 30 रुपये की एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट थी, इसका मतलब ये है कि 70 आपकी बुक वैल्यू बैलेंस शीट में आ रही है। इसमें मेरे ख्याल में किसी को कोई मसला नहीं होना चाहिए। अगले साल लेट्स अज्यूम रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट हो गई। अगर रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट हो गई तो लेट्स अज्यूम आपने एसेट को डेबिट नहीं किया, आपने एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस को डेबिट कर दिया। क्या एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस 20 से डेबिट होने के बाद कम हो जाएगी? जारी बात है, अगर आप एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस का लेजर बनाए, पहले इसमें 30 पड़ा हुआ था, अब आपने इसको जब डेबिट किया 20 से, तो क्या 10 नहीं रह गया? 10 रह गया ना, तो क्या आप अपनी बैलेंस शीट में अब 10 नहीं लेकर आएंगे? 10 लेकर आएंगे। तो जैसे ही आप 10 लेकर आए तो देखें आपके एसेट की जो बुक वैल्यू है वो 20 से खुद बढ़ गई। तो जितने से रिवर्सल हुई थी आपका एसेट असल में उतने से बढ़ तो गया, तो ये तो आप चाह रहे थे। तो इसीलिए हम नॉर्मली एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस को ही डेबिट करते हैं, क्योंकि पीछे कहीं पे भी हम एसेट को क्रेडिट, जब इम्पेयरमेंट लॉस होता है तो देखें हमने एसेट को क्रेडिट थोड़ी किया था, हमने तो एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट को क्रेडिट किया था। तो चूंकि वहां पे एसेट में एंट्री नहीं की थी तो यहां पे भी हम नहीं करते, हम कहते हैं एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट में ही एंट्री कर दो। ठीक होगी बात? ये बात सबको समझ आ गई? ये बात क्लियर है जी? ओके है। तो इसका मतलब है कि हम डेबिट कर दिया करेंगे एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस को। लेकिन अगर पेपर में आप एसेट भी लिख देंगे ना तो कोई गलत बात नहीं है। ये मत समझिएगा कि डेबिट एसेट कर देना कोई गुनाह है, वो भी कर सकते हैं आप, लेकिन नॉर्मली यही लिखा जाता है एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस और क्रेडिट तो रिवैल्यूएशन सरप्लस की रिवर्सल वगैरह। ठीक होगी बात? अगर ये कॉस्ट मॉडल होगा तो फिर जाहिर बात है रिवैल्यूएशन सरप्लस नहीं आएगी, फिर वो रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगी, इसकी एंट्री क्या करेंगे आप?
एक ही तो ही है। तो यहां पे भी अगर आप डेबिट एसेट लिख देंगे ना 12 से, तो कोई कबाहत नहीं है, कोई कबाहत नहीं है, लेकिन फिर भी कोई मसला नहीं। पहले आपके पास 16 की एक्युमुलेटेड इंपेयरमेंट थी, उसके बाद आपकी 12 की डेबिट हो गई, 12 की डेबिट हो गई, एक्युमुलेटेड इंपेयरमेंट कम हो गई। तो इसका मतलब है अगर एक्युमुलेटेड इंपेयरमेंट कम हो गई तो बैलेंस शीट में उसने ऑटोमेटिकली जाके एसेट को बढ़ा दिया, तो काम तो हमारा हो गया रिवर्सल वाला, एसेट को बढ़ाना था वो तो बढ़ गया। बात समझ आ गई? सो दिस इज द एंट्री। अब एंट्री नोट करें और फिर हम आगे चलते हैं। हफ्ते को पढ़ाना बहुत मुश्किल काम है। क्वालिफाई करने के बाद पढ़ाने ही बड़ा मुश्किल काम, किताब में देखना बड़ा मुश्किल काम है। जिंदगी किताबों में गुजर गई, पता नहीं कितनी रह गई, कितनी गुजर गई, कितनी गुजरनी है किताबों में, कितने साल पढ़ाना है, कितने साल नहीं पढ़ाना है, तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। नोट नहीं कर रहा मेरा भाई, अच्छा कर लिया नोट। ओके आईफोन 14 प्रो मैक्स अमीर लोग माशाल्लाह, और नहीं मैं गरीब आदमी सर। हो गया जी नोट? कर ले भाई कर ले यार, तू सो नहीं करके आया वा? जी सॉरी सवाल है कोई? जी बिल्कुल जी बिल्कुल जी सर बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप, बिल्कुल ऐसे ही है। देर लगी मगर अब आपने है जीना सीख लिया, बस यही बात थी। ओके ले जी यार कितना नोट करेगा, इतना तो लिखाया नहीं मैंने, नोट करी जा रहा। ओके जी आइए आप लोग एग्जाम्पल नंबर न्याम 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 7 पे, किधर गई 7? ये है 7, सफा नंबर 314 पे, 314 पे एक नया मेथड दरियाफ्त हुआ है जी, उसको डिस्कस करते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ऐसी सीधी सी बात है। एग्जाम्पल नंबर 7, सफा नंबर 314, 314, 314, 314, 314. एन एसेट हैज कॉस्ट ऑफ रुपीज 5 लाख एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ 2 लाख, इट्स रिकवरेबल अमाउंट हैज बीन एस्टिमेटेड एट 2,80,000, जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द इंपेयरमेंट लॉ। मजाक कर रहा है आपके साथ, स्टैंडर्ड खत्म होने को आया और आपको कॉस्ट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और रिकवरेबल अमाउंट देके कहता है इंपेयरमेंट लॉस निकाल दो। ठीक है जी बताइए कितना इंपेयरमेंट लॉस होगा, बोलिए। बुक वैल्यू तो है हमारे पास कि नहीं है? बुक वैल्यू कॉस्ट कितनी है जी? 5 लाख और एक्यूमुलेटेड है 2 लाख, तो भाई नजर आ रहा है कि 3 लाख इज द बुक वैल्यू। रिकवरेबल अमाउंट कितनी है? 280। तो क्या इंपेयरमेंट चार्ज करनी बनती है? बिल्कुल बनती है, बिकॉज रिकवरेबल अमाउंट कम हो चुकी है बुक वैल्यू से, तो 20,000 से हम इंपेयरमेंट लॉस को चार्ज करेंगे। और एंट्री क्या करेंगे? बोल कोई नहीं, रबला बला बला लगे हुए सारे, इंपेयरमेंट लॉस डेबिट। ये काम हम भी करते रहे, हमें बताया करें एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस 20,000। ले जी यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉरी एंट्री थोड़ी सी 20,000। उसके बाद नेक्स्ट काम क्या है जी? अब एक और मेथड है, ऑल्टरनेटिव मेथड, जो कि हमें बताया गया स्टैंडर्ड की तरफ से कि आप ये काम भी कर सकते हैं एंट्रीज अगर करना चाहें। ये बिल्कुल रिवैल्यूएशन की तरह का है, बिल्कुल रिवैल्यूएशन की तरह का है। क्या करते थे रिवैल्यूएशन में? सबसे पहले हम ट्रांसफर करते थे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो यहां पर भी कर दें। अभी तक
दो लाख की चार्ज हो चुकी हुई है, सवाल में गिवन है, तो आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करें 2 लाख से, और क्रेडिट क्या करते थे? एसेट, तो बिल्कुल एसेट करें आप 2 लाख से। नहीं जी, एक एंट्री होगी, एक एंट्री होगी, उसके बाद दूसरे स्टेप पे हम क्या करते थे, एसेट अगर कम हो रहा है तो क्रेडिट करते थे, तो यहां पे भी इंपेयरमेंट भी एसेट कम हो रहा है तो क्रेडिट कर दें, कितने से, 20,000 से, और डेबिट क्या करें, इंपेयरमेंट लॉस, ये लें जी। तो ये जो भाई साहब अभी फरमा रहे थे कि अगर हम एंट्रीज बिल्कुल वैसे ही कर दें जैसे हम करते थे, तो ठीक है सर, ये भी एक मेथड है जो स्टैंडर्ड ने बताया हुआ। तो दोनों सूरतों में बात एक ही है, जब आप बैलेंस शीट में इन चीजों को लेके जाएंगे बात तो वहीं आ जाएगी, भला किस तरीके से। देखें, 20,000 क्या आपके एक्सपेंस में जा रहा है इधर इस मेथड में, डेबिट हो रहा है ना, तो देखें यहां पे भी 20,000 प्रॉफिट लॉस में जा रहा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस तो दोनों जगह पे सेम है। बाकी फर्क क्या पड़ा, बाकी फर्क क्या पड़ा, एसेट की कॉस्ट थी 5 लाख, 5 लाख में से आपने 2 लाख निकाल दिया, बचा 3 लाख, 3 लाख में से आपने 20,000 निकाल दिया, बचा 2,80,000। तो एसेट के लेजर में इस वक्त कितना पड़ा हुआ है जी, 2,80,000। ये देखें, ये मैं मिटा दूं, ये तो पिछले सवाल की एंट्री है ना, ये देखिए, अगर आप लेजर बनाएंगे तो इस सूरत में क्या होगा, बल्कि पहले इस सूरत में बताते हैं, एसेट अकाउंट जो हम बात कर रहे थे अभी, आपका ब्रॉड डाउन पड़ा हुआ जी कॉस्ट 5 लाख पे, आपने पहले एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ट्रांसफर की, क्रेडिट हो गया 2 लाख से, क्या ख्याल है, फिर आपने 20,000 से इंपेयरमेंट ट्रांसफर की, तो ये कैरेट डाउन कितना बन गया जी, 2,80,000 से, और यही 2,80,000 अब आपका किधर जाएगा, अब ये आपकी बैलेंस शीट में जाएगा, क्योंकि बैलेंस शीट के जो एक्सट्रैक्ट बनेंगे, नजर आ रहा है ये सबको, ये बैलेंस शीट नजर आ रहा है ना, इधर से तेरा मुंह नजर आ रहा है तो वहां से भी नजर आ रहा होगा, फिल्में करा लो इन लोगों से, चल कोई नहीं यार, इधर लिख देते हैं, खैर नहीं, अगली दफा वो लैपटॉप ले ही लेना, वो ओके जी। तो मेथड टू जो है उसका अगर हम लेजर बनाएं एसेट अकाउंट का, तो हमारे पास ब्रॉड डाउन आ रहा है 5 लाख, और यहां पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बनती है कितनी, 2 लाख से, और इंपेयरमेंट लॉस जो हमने चार्ज किया वो खामोश हो जाए भाई, और कैरेट डाउन बन गया 2,80,000 से। अब जब आप बैलेंस शीट में इसके एक्सट्रैक्ट बनाएंगे तो आपके पास होगा जी नॉन करंट एसेट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, कॉस्ट कितनी आएगी भाई, भाई अब तो जरूरत ही नहीं है लिखने की, क्योंकि अब तो आपका अकाउंट ही बुक वैल्यू पे मेंटेन्ड है, तो ना तो कोई कॉस्ट होगी, ना ही लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगी, ना ही एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट होगी, क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी जीरो हो चुका है, सारा कुछ तो आप यहां पर ट्रांसफर कर चुके हैं, और इंपेयरमेंट एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट में तो कभी आपने कुछ क्रेडिट किया ही नहीं था, इसका मतलब है 2,80,000 डायरेक्ट ही यहां पर आ जाएगा, क्या ख्याल है, ये बात सबको समझ आती है, ओके। अब आइए इस मेथड वन पे, यहां तो नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है, ओके, मेथड वन पे आइए। मेथड वन पे आपने एसेट अकाउंट में कुछ भी नहीं किया, बस ये ब्रॉड डाउन 5 लाख पड़ा हुआ है, तो कैरेट डाउन भी यही पड़ा हुआ है, कोई आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ट्रांसफर नहीं की, कोई आपने इंपेयरमेंट लॉस ट्रांसफर नहीं किया, क्या ख्याल है। अब आप इसके बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट बनाए मेथड वन के, नॉन करंट एसेट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जी, कॉस्ट कितनी है, 5 लाख, लेकिन आज तो आपके पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी पड़ी है भाई, वो निल तो थोड़ी हुई है, यहां पे तो आपने निल कर दी थी, यहां पे तो नहीं निल की, यहां पे तो वो 3 लाख, 2 लाख का 2 लाख वहां पड़ा हुआ है, तो क्या 2 लाख से हम लेस नहीं करेंगे उसे, बिल्कुल करेंगे, और तो और आपने यहां पे एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस भी 20,000 से क्रेडिट किया है, तो सर वो भी करें हम, बात समझ आ रही है। तो देखें जी, बताइए एसेट की वैल्यू फिर कहां पर आके खड़ी हो गई, वही 2,80 पे, तो इसका मतलब फर्क कोई नहीं है, असल में बैलेंस शीट के अंदर रिपोर्टिंग अमाउंट उतनी ही जा रही है, बस समझ ले शायद थोड़ा सा प्रेजेंटेशन का फर्क कह ले है, कि यहां पे आपको, वैसे ये भी मैं आपको बात बताऊं, ये भी बैलेंस शीट के फेस पे नहीं आ रहा होगा, फेस पे यही आ रहा होगा, हाँ नोट्स में पीछे जाके शायद ये कुछ एडजस्टमेंट हो रही हो, लेकिन नोट में तो फिर ये एडजस्टमेंट भी नजर आ रही होगी, आपको खुद पता है कि जब हम नोट बनाते थे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का, तो जब ट्रांसफर करते थे तो क्या हम ये एंट्री नहीं रिकॉर्ड करते थे, रिवैल्यूएशन में करते थे ना, एक्यूमुलेटेड में ट्रांसफर में नेगेटिव से लिखते थे, और ऊपर ग्रॉस कैनिंग अमाउंट में ट्रांसफर से लिखते थे, तो सर वहां पर भी तो ये एंट्री आएगी, तो इसका मतलब है कोई फर्क नहीं है, दोनों जगह पे एक ही बात है, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, जो मर्जी मेथड कर लें, ये वाला कर लें या ये वाला कर लें,
लेकिन ये वाला जरा प्रेफरेबल है। ओके, पहला मेथड ज्यादा प्रेफरेबल है। ओके दोस्त, समझ आ गई? आपको लग रहा होगा सर दूसरा ज्यादा आसान है, उसका रट्टा लगा हुआ मैं, लेकिन नहीं कोई बात नहीं, ठीक है, पहला ज्यादा आसान है, ज्यादा दो एंट्रीज याद रखनी है, एक एंट्री ठीक है बस, ठीक होगी बात, बात समझ आ गई? ओके चले जी आगे चलिए, नोट करें नोट करें, जल्दी नोट करें, वेरी इंपॉर्टेंट, फिर हम एग्जाम्पल एट की तरफ जाएंगे। आईफोन 14 प्रो मैक्स, क्या बात है, अमीर लोग। जी 220 पे क्वेश्चन है, 220 क्या चीज? सवाल कौन सा? 220 पेन नंबर 220 दो से कब की बात है? हाँ जी बताइए, कौन सा सवाल है? हाँ क्लास के बाद, क्लास के बाद डिस्कस कर लीजिए। और वो गुम गया सफा जिसपे मैं मौजूद था। हाँ भी बताओ, सफा भी कौन सा था? 314 पुरानी किताब पकड़ी गई चोरी भाई की। एग्जाम्पल नंबर 8 पे आइए, यही सवाल अब रिवैल्यूएशन मॉडल से करते हैं कि अगर रिवैल्यूएशन होगी तो ऑल्टरनेटिव मेथड कैसे चलेगा। एन एसेट हैज कॉस्ट ऑफ ₹5,00,000 एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ ₹2,00,000, इट्स रिकवरेबल अमाउंट हैज बीन एस्टिमेटेड एट ₹2,80,000। यहां तक तो सवाल में कोई फर्क नहीं है। एसेट हैज बैलेंस ऑफ ₹7,000 इन रिवैल्यूएशन सरप्लस अराइजिंग फ्रॉम प्रीवियस रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस के लेजर में हमारे पास 7,000 का बैलेंस मौजूद है जो कि प्रीवियस रिवैल्यूएशन से हुआ। तो सर जनरल एंट्रीज वो कहता है कि रिकॉर्ड कर दें, तो ठीक है जी कर देते हैं। आप लोगों ने नोट कर लिया, क्या मैं मिटा सकता हूँ सब कुछ? नहीं, जी ओके अभी शुरू किया नोट करना। अच्छा ओके, वो यहां से तो नहीं शुरू कर दिया नोट करना, खुदा का वास्ता है, सवाल वहां से शुरू हो गया, वहां जा रहा तू, वहां से शुरू हो गया, वहां चला गया, कोई हाल नहीं, कर मेरा भाई नोट, ये मिटा दूं फिर। जी ये भी उन्हें नोट कर लिया होगा, कमाल होगी यार। जी अब ये मिटा दूं? हाँ भाई ओके, जी भाई जब सवाल नंबर 8 की बात आएगी तो सवाल नंबर 8 के अंदर हमारे पास रिवॉल्यूशन सरप्लस भी मौजूद है। तो मेरे ख्याल में अगर हम इसका डेटा अपने हिसाब से लिखना चाहें तो कुछ बेहतर समझ आ सकती है। तो
तारीख वगैरह सवाल में गिवन नहीं है तो बस ठीक है छोड़ दें, लेकिन इतना हमें ज़रूर पता है कि एसेट की जो बुक वैल्यू है वो कितनी होगी, बुक वैल्यू 5 लाख, बुक वैल्यू 300 होगी ना, और 500 माइनस 200, यार खुदा के बंदो ये लो, ये ले, ओके। और साथ ही साथ वो ये भी कहता है, अच्छा एज्यूम ये करें कि ये जो एक्युमुलेटेड डेफिसिट 2 लाख की है ना, ये रिवेल्यूशन सरप्लस से पहले बाद वाली सारी चार्ज करने के बाद है, ठीक है, और रिवेल्यूशन सरप्लस में भी पहले का 7 पड़ा हुआ है, ठीक होगी बात समझ आ गई। तो सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद उसने हमें डाटा दे दिया हुआ है। उसके बाद रिकवरेबल अमाउंट कितनी है भाई, 280, तो 280 के बाद रिकवरेबल अमाउंट, ठीक है जी कोई बात नहीं, एक लाइन छोड़ेंगे और यहां पर लिखेंगे टू एटी से, और ये 20 का लॉस, इम्पेयरमेंट लॉस, और ये 7 माइनस और 13 माइनस, यही काम करते थे हम। चलें जी, मेथड 1 के तहत एंट्रीज बता दें, मेथड 1 के तहत एंट्रीज बताएं जी, बोलें। सबसे पहले रिवेल्यूशन सरप्लस, 7 से डेबिट, इम्पेयरमेंट लॉस 13 से डेबिट, और एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस 20 से क्रेडिट, मेथड 1। और मेथड 2 में क्या होगा, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को एलिमिनेट करना पड़ेगा जैसे हम करते थे। कितने की है, 200 की, और क्रेडिट एसेट 200 से पहली एंट्री, और दूसरी एंट्री रिवेल्यूशन सरप्लस डेबिट 7 से, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट 13 से, और एसेट हो जाएगा क्रेडिट 20 से। लें जी, दूसरा मेथड हो गया, बात समझ आ रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ओके। जो अभी जाजेब और गालिब वाले सवाल किए ना, इन दोनों सवालों के रिक्वायरमेंट में अगर आप देखेंगे तो उसने लिखा हुआ है रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज एलिमिनेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, देखें जाके लिखा हुआ रिक्वायरमेंट में, देखें जाके एक दफा फिर देखें, नहीं देखें जाके, अभी मुझे पता नहीं देखा आप लोगों ने, सब देखें जाके, अभी मैं कुछ देख रहा हूं जिन्होंने सफे नहीं पलटे, कुछ भी नहीं किया, सब देखें जाके क्या लिखा हुआ है वहां पे, बाय एलिमिनेटिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को एलिमिनेट करना, तो देखें हमने एलिमिनेट मेथड 2 में कर दिया, तो जब वो ये बात कह दे तो फिर इसका मतलब है उसने आपको पाबंद कर दिया मेथड 2 का, फिर तो मेथड 2 ही करना है, वरना अगर सवाल खामोश हो तो मेरे ख्याल में मेथड 1 पे चले जाइएगा, जिंदगी आसान रहेगी, ठीक होगी बात। तो अब आपके होमवर्क में दो चीजें और ऐड हो गई कि इन दोनों सवालों की आपने मेथड 2 से एंट्रीज करके आनी है, ओके सब अच्छा है मेरे ख्याल में, आपको 4 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे, देख ऐसा नहीं जैसे पता नहीं 4 घंटे लग जाएंगे, 4 मिनट, 2-2 मिनट की एंट्रीज है, 2 मिनट भी ज्यादा बता रहा हूं, ठीक है, ओके। ले जी, ये काम भी हुआ। उसके बाद नेक्स्ट, व्हाट इज इन माय नोट्स, हाँ पास्ट पेपर का सवाल, सैटरडे को तो पढ़ाने का लेवल ही और होता है, सर अभी जी मैं अभी कह रहे थे दिल नहीं करता, अभी कहते हैं लेवल ही अजीब होता है, पर जब क्लास खत्म होने वाली तो मुझे भी खुशी होनी शुरू हो जाती, छुट्टी होने वाली है, क्यों दोस्त, छुट्टी की खुशी हर लेवल पे होती है, छुट्टी की खुशी और जेल से छूटने की खुशी का लेवल ही और है। क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 330, क्या ख्याल है, करें नोट, आप में से कभी कोई जेल गया नहीं, वैसे होता है लो हद हो गई, गया कोई ये मुझे शक पड़ गया इस पे, गया ये वो नहीं वो है, ओके जल्दी नोट करें भाई, ये सवाल पास्ट पेपर का अभी सॉल्व करना है हमने जी, अच्छा जेल मिलने गए होंगे किसी को, किस वजह से, यार हद हो गई यार, ना लड़ा करें, किसका क्या करूं, तुम्हें कैसे पता रिमोट पड़ा, यहां से कैसे नजर आ रहा, हाँ क्या कर रहे हैं इसको, ये लो, बंदे नहीं आप ठीक, मैंने साफ लगा लिए। सवाल नंबर 3 पे है जी, पेज 330,
ओ यार जल्दी नोट कर ले, इतना मैं लिखवाता नहीं जितना आप लोग लिखी जाते हैं, पता नहीं क्या करते रहते हैं। OCI स्टैंड फॉर अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। बाद में जाके कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जब स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी का कॉन्सेप्ट आएगा ना, वहां पे आपको बताऊंगा कि ये क्या होता है। थोड़ा सा आइडिया आपको समझाने के लिए दे देता हूँ कि जो आपका ये स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम होती है ना, इसके असल में दो हिस्से होते हैं, एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक होती है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। समझने के लिए ये बात समझ लें कि कुछ गेन्स या ऐसे होते हैं या कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी होती हैं जो कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन उस तौर पर उनका लेन देन नहीं होता। मिसाल के तौर पर सेल्स हुई तो आपको पता है कि जी आपने कोई चीज़ बेची, उसके अगेंस्ट पैसे आए, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस में लिख देते हैं। खर्चे जितने भी हुए एक्सपेंसेस, वो असल में आपकी जेब से पैसा गया होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस में आपने लिखा होता है, या चले पेबल होता है कभी जाना होता है फ्यूचर में तो लिख दिया। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर आप श्योर नहीं होते कि ये पैसा आना है या जाना है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास ज्वेलरी मौजूद है, लेट्स अज्यूम, और वो खरीदी गई थी 1.5 लाख रुपये की, और आज साल के आखिर में उसकी वैल्यू हो चुकी है 1 मिलियन की, तो क्या 8.5 लाख का गेन आपको आ गया? लेकिन ये गेन एक ऐसा है जो कि अभी तक रियलाइज नहीं हुआ, ये तो बस किताबों के अंदर है, अनरियलाइज गेन इसको बोलते हैं। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर आती हैं। रिवैल्यूएशन सरप्लस, ये भी एक सॉर्ट ऑफ अनरियलाइज गेन ही है। कौन सा आपने एसेट को बेचा जो आपको गेन आ गया? वो तो बेचेंगे तो फायदा आएगा ना, तो ये भी एक कुछ इस तरह की चीज़ है। इंपेयरमेंट लॉस, ये भी इस तरह की चीज़ है। करंसी, लोगों ने डॉलर 150 रुपये के खरीदे, आज 312 के मौजूद हैं, लोग कह रहे हैं हमें फ़ायदा हो गया, लेकिन फ़ायदा उस वक्त तक रियलाइज़ नहीं होगा जब तक वो डॉलर मार्केट में बेचेंगे नहीं और कैश वसूल नहीं करेंगे। तो ये जो इस तरह की चीज़ें होती हैं जो भी सिर्फ किताबों के अंदर होती हैं, वो शायद अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आती हैं। तो ये कुछ समझाने के लिए आपको बता दिया, डिटेल डिस्कशन फिर इसकी बाद में करेंगे जब वक्त आएगा। ओके जी, नोट कर लिया आप लोगों ने? ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे आए, सफ़ा नंबर 330। एक आसान सवाल है, मुश्किल सवाल बिल्कुल भी नहीं है। प्रिपेयर अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 15, गिव ऑल नेसेसरी कैलकुलेशंस। रिक्वायरमेंट पढ़ के आपको कुछ पता नहीं लगा कि ये कौन से स्टैंडर्ड का सवाल है। पेपर में, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा ना, आप पेपर में बैठे हैं तो पेपर में थोड़ी पता लगेगा आपको, ये तो ऊपर लिखा हुआ इंपेयरमेंट, लेकिन पेपर में आपको नहीं पता लगेगा। आइए जी, साइंटिफिक फार्मा लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। इन जनवरी 2015 वन ऑफ इट्स प्लांट्स सफर्ड अ मेजर ब्रेकडाउन। It was repaired at a cost of ₹1.5 million, but the production capacity was reduced significantly. लेकिन जो production capacity है वो शदीद किस्म की नीचे गिर गई। Okay. The plant was ready for production on June 30, 2015. Plant जो है 30 जून 15 को ready for production था। At that time, the company's engineers advised that the plant could be used at a reduced level for 3 years only. The plant was estimated to have a recoverable amount of 19,270 at June 30, 2015. तो ये तो कहानी आपको 2015 की सुना रहा है। शायद recoverable amount का डाटा देना था उसने आपको, तो उसने आपको पूरी कहानी सुना दी। Other related information is as under. तो ये ऊपर 19,270 30 जून 15 की recoverable amount है, तो इसका मतलब ये है कि अब मुझे 30 जून 2015 की क्या चाहिए? बुक वैल्यू चाहिए, ताकि मैं कंपैरिजन करके देख सकूं इंपेयरमेंट लॉस हुआ कि नहीं हुआ। अदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इज एज अंडर, द प्लांट वॉज इम्पोर्टेड एट FOB प्राइस ऑफ $8 लाख। द पेमेंट वॉज मेड एट द टाइम ऑफ शिपमेंट ऑन 1 जुलाई 2005 एट रुपीज है 52 पर डॉलर। क्या बात है भाई, क्या बात है भाई। तो भाई जान, कभी डॉलर ऐसा भी होता था 52 का होता था, और ये कब की बात है? ये ऑटम 10 की बात है। अच्छा, ऑटम 10 में डॉलर 52 का होता था, आज कितने का है? 285 का है। अच्छा, ओके। तो भाई क्या करना है? ठीक है, सवाल में अगर डॉलर की आपको उसने वैल्यू दे दी है तो एक्सचेंज रेट भी तो दिया हुआ है, तो 8 लाख को 52 से मल्टीप्लाई कर दे, रुपीज़ में वैल्यू आ जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है। तो भाई अब हम क्या करेंगे? अब हम एसेट की कॉस्ट निकालेंगे, शायद वो हमें कॉस्ट का सारा डेटा दे रहा है और हमसे बुक वैल्यू वो 30 जून तक कैलकुलेट करवाएगा।
अदर चार्जेस इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन कॉस्ट अमाउंटेड टू रुपीज 7 मिलियन. भाई ये कॉस्ट ऊपर शामिल नहीं होगी, आपने पहले डॉलर्स को रुपीज में कन्वर्ट करना है, उसके बाद 7 मिलियन उसमें ऐड कर देना है, तो आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी. क्योंकि ये बात हमें पता है कि जितने भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चे हैं वो सारे के सारे कॉस्ट में शामिल होते हैं. लेकिन क्या 1 जुलाई 5 से डेप्रिसिएशन स्टार्ट हो जाएगी? बोले 1 जुलाई 5 से डेप्रिसिएशन स्टार्ट हो जाएगी कि नहीं? इंस्टॉलेशन ऑफ द प्लांट वॉज कंप्लीटेड ऑन December 31, 2005 एंड कमर्शियल प्रोडक्शन कमेंस फ्रॉम 1 अप्रैल 2006. जी क्या 31 दिसंबर यानी कि 1 जनवरी 6, 31 दिसंबर 5 का मतलब है 1 जनवरी 6, क्या 1 जनवरी 6 से डेप्रिसिएशन होनी चाहिए, 1 अप्रैल 6 से डेप्रिसिएशन होनी चाहिए? 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल से. हाँ तो कमर्शियल प्रोडक्शन से नहीं होगी? अच्छा तू लड़ता क्यों है यार, तू सही जेल गया था. ओके मेरे भाई, तो भाई बिल्कुल ऐसा ही है, जब एसेट अवेलेबल फॉर यूज होगा आपने तब से डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है. और एसेट तो अवेलेबल हो गया था 31 दिसंबर 5 यानी 1 जनवरी 6 को, तो 1 जनवरी 6 से आप डेप्रिसिएशन स्टार्ट करेंगे. तो भाई जरा रिक्वायरमेंट को एक दफा दोबारा पढ़ें. ईयर एंडेड कौन सा है? 30 जून 15 का. तो इसका मतलब क्या हो गया कि शायद 2006 की 6 माह की डेप्रिसिएशन होगी, क्योंकि साल तो 30 जून पे खत्म हो रहा है. ओके ओके, तो ये कम अप्रैल क्यों दिया हुआ है? अप्रैल फूल? हाँ अप्रैल फूल के लिए दिया हुआ है आपको. बहुत से लोग फूल बन गए होंगे, उन्होंने ये कम अप्रैल को कर दिया होगा. आगे चले जी, पॉइंट नंबर 2. द कंपनी यूजेज स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन इज चार्ज फ्रॉम द मंथ द एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज. जब आपने ऊपर 20 मिनट जाया कर दिए होंगे. भाई प्रोडक्शन से होता है कि अवेलेबल फॉर यूज से होता है? दोस्त से भी पूछ लिया, उसने भी नहीं बताया, इधर उधर नजर भी दौड़ा ली, किसी ने सवाल अभी शुरू नहीं किया था. तो 20 मिनट जाया करने के बाद जब आपने कोई भी फैसला ले लिया होगा तो अगली लाइन में उसने लिख दिया अवेलेबल फॉर यूज. तो वो ना भी लिखता तो आपको पता था अवेलेबल फॉर यूज है. ओके तो ठीक है. एट द टाइम ऑफ परचेज द एस्टिमेटेड यूजफुल जिंदगी ऑफ द प्लांट वॉज एस्टिमेटेड एट 15 साल. वेर एज द सॉल्वेज वैल्यू क्या होती है? ये रेजिडुअल वैल्यू का दूसरा नाम है सॉल्वेज वैल्यू. ओके सॉल्वेज वैल्यू. Whereas the salvage value was estimated at rupees 2 million, तो ठीक है कम सवालों में ये आई है salvage value, आप माइनस कर दें कॉस्ट में से, क्या बुराई है इसके अंदर? ओके. बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ अ प्रोफेशनल इंडिपेंडेंट वैल्यूअर द प्लांट वॉज रीवैल्यूड ऑन July 1, 2010 एट रुपीज 45 million. तो आज हमें समझ आ गई कि एसेट रिवैल्यूशन मॉडल पे है. तो मेरे ख्याल में भाई काम ये करना चाहिए हमें, 1 जुलाई 10 को हुआ ना, हम एसेट खरीद बैठे हैं 1 जुलाई 5 को, लेकिन डेप्रिसिएशन शुरू हो रही है 1 जनवरी 6 को. 1 जनवरी 6 से 30 जून 6 तक 6 महीने हो गए, आधा साल हो गया. June 2007, June 2008, June 2009, June 2010, 4 साल बने. 4 साल ये वाले और 6 माह पहले वाले, 4.5 साल. 4.5 साल की डेप्रिसिएशन इकट्ठी चार्ज कर दें ताकि आप डायरेक्ट ही 30 जून 10 पे आ जाएं और उसके बाद रिवैल्यूएशन वाली एडजस्टमेंट कर लें. क्या ख्याल है? बजाय इसके कि आप 4 हर साल की डेप्रिसिएशन अलग लिखेंगे, एक ही स्टेप में 4.5 साल की डेप्रिसिएशन कर दें. बात समझ आती है? ओके. उसके बाद जब रिवैल्यूएशन हुई तो ठीक है, वो तो आपको पता ही है करना क्या है. 45 मिलियन हो गई तो लॉस आ जाएगा या सरप्लस आ जाएगा, जो कुछ भी है. देयर वॉज हाउएवर नो चेंज इन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द प्लांट. सर एस्टिमेटेड लाइफ चेंज नहीं हुई, वो 15 साल की 15 साल ही है. ऑब्वियसली अब आप रिमेनिंग देख लेंगे तो 15 में से 4.5 साल गुजर गए होंगे, तो 10.5 बचेंगे, तो 10.5 बचेंगे. ठीक है. द फैक्ट्री रिमेंड क्लोज फ्रॉम 1 अप्रैल, फिर अप्रैल फूल के तैयारी में है वो. द फैक्ट्री रिमेंड क्लोज फ्रॉम 1 अप्रैल से 30 जून 12 ड्यू टू लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन. पाकिस्तान हमेशा तारीख के नाजुक तरीन दौर से गुजरता रहा है, तो 2012 में भी कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हुई होगी, इलेक्शन होने थे गालिबन, नहीं वो 13 में हुए थे इलेक्शन, सॉरी. तो बताइए जी क्या होना चाहिए इसमें, इस 3 महीने का क्या करना है जी? डेप्रिसिएशन होगी? होगी कि नहीं होगी? सर डेप्रिसिएशन रुकेगी ये तो किसी किताब में नहीं लिखा, ये तो होगा. डेप्रिसिएशन तो चार्ज होगी. ओके तो हम डेप्रिसिएशन बिल्कुल चार्ज करेंगे रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि एसेट जो है वो आइडल रहा है. ओके तो कुछ नहीं करना. द सल्वेज वैल्यू हैज नॉट चेंज सिंस इट वॉज फर्स्ट एस्टिमेटेड एट द टाइम ऑफ परचेज. रेजिडुअल वैल्यू भी चेंज नहीं हुई, वो भी 2 मिलियन ही है. तो ठीक है, वो कंटिन्यूस ऐसे चलाते रहेंगे. तो करना क्या जी इस सवाल में पहले 4.5 साल की डेप्रिसिएशन आ जाएंगे 30 जून 2010 पे, वहां पे रिवैल्यूएशन करेंगे, और रिवैल्यूएशन करने के बाद फिर से मेरे ख्याल में 11, 12, 13, 14, 15 5 साल की स्ट्रेट डेप्रिसिएशन चार्ज करके रिकवरेबल अमाउंट पे आ जाएंगे, जो उसने 1970 बताई हुई है. क्या ख्याल है? तो सवाल मेरा आपसे यह है
कि ये जो इसने रिपेयर की कॉस्ट दी है 1.5 मिलियन की, इसका क्या करना है? एक्सपेंस क्यों है? क्या ये अपग्रेड वाली कॉस्ट नहीं है? पढ़ा था ना अपग्रेड, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट की बात नहीं कर रहा, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूं। क्या ये सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर नहीं है जी? फिर बोले ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जी, बिल्कुल। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रूटीन की रिपेयर एंड मेंटेनेंस होती है। कहीं पे मैंने लिखा हुआ कि जी एसेट ने जो है वो तहलका मचा दिया, उसकी यूजफुल लाइफ कहां की कहां पहुंच गई, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कहां की कहां पहुंच गई, कोई ऐसी बात नहीं है। वो तो तब करते थे जब उसकी परफॉर्मेंस वगैरह बेहतर होती थी, तो अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक होगी बात तो? बस ठीक है मेरे भाई, सवाल को फिर शुरू करते हैं। ओके जी, साइंटिफिक फार्मा, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें निकालनी पड़ेगी कॉस्ट। तो कोई बात नहीं, खैर है। कब एसेट खरीदा गया? बोले यकम जनवरी 2006। अवेलेबल फॉर यूज जब से था हम वही डेट लिखेंगे। खरीदा तो वैसे पहले गया था गालिबन, यकम जुलाई 5 को गया था, लेकिन चूंकि अवेलेबल फॉर यूज यकम जनवरी 6 था, तो हम यकम जनवरी 6 ही यहां पर लिखेंगे। दो मिनट देख लीजिएगा कॉस्ट जी। ये देखें, सबसे पहले 8 लाख डॉलर को रुपीज में कन्वर्ट किया। बल्कि एक काम करते हैं यार, रुपीज इन थाउजेंड में सवाल करते हैं, सवाल रुपीज इन थाउजेंड में करते हैं, मिलियंस में बहुत ज्यादा हो जाएगा। ले जी, अब क्या करेंगे? 800 × 52 और इंस्टॉलेशन कॉस्ट कितनी है? 7 मिलियन, तो 7000। ले जी, बात समझ आती है? बात समझ आती है कि नहीं? Yes, हाँ जी बताइए। 42.3 मिलियन। कैलकुलेटर किधर है? मम्मी पेपर बड़ा अच्छा हुआ था, आईके भी पास नहीं करता। हाँ तो रुपीज इन थाउजेंड में किया ना सवाल, मिलियंस में तो नहीं किया, तो 3-0 उड़ा दिए एंड वाले। नहीं वो नहीं, वो देख क्या रहे हैं ऐसे यार, वो गलत किया मैंने, ठीक लोग। ओके, 0.1 में मेरे ख्याल में और कुछ भी नहीं था। अब शुरू करते हैं डेप्रिसिएशन जी। अच्छा, क्लास के अंदर एक क्लास खुली हुई है। ओके हाँ ठीक है मेरे भाई, तो एसेट अवेलेबल फॉर यूज जहां पर होता है ना, वो तारीख लिखते हैं हम। अवेलेबल फॉर यूज था ना, इंस्टॉल यकम जनवरी को हुआ। गोश्त कच्चा तो नहीं खाते ना, रही बात है, जब वो पक जाता है तब खाते हैं। अवेलेबल फॉर यूज, पॉइंट नंबर टू डेप्रिसिएशन का बता रहा है। तो ठीक है जी, हमें डेप्रिसिएशन कब तक की चार्ज करनी है? हमें चार्ज करनी है 30 जून 2010 तक की। रिवेल्यूशन हो रही है बीच में, 30 जून 2010 की डेप्रिसिएशन इकट्ठी चार्ज कर दें। कितने साल बनते हैं? 48,600। लेकिन सर साल्वेज वैल्यू भी तो थी 2 मिलियन। माइनस नहीं करेंगे? करेंगे, नहीं बोलेंगे। डिवाइडेड बाय 15, यूजफुल लाइफ तो 15 है मेरे भाई, 15 ही है ना, और मल्टीप्लाई बाय 4.5 से क्यों मल्टीप्लाई किया? डिवाइडेड बाय 15 करेंगे तो एक साल की डेप्रिसिएशन, और चूंकि मैंने डायरेक्ट ही 4.5 साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर ली, तो 4.5। समर 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 जी बताइए। 13980, 13980, और बताइए बुक वैल्यू 34620। ले जी, डायरेक्ट ही 4.5 साल की डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई। सब अच्छा है। उसके बाद अगला साल शुरू हुआ यकम जुलाई 2010 को, और रिवैल्यूएशन हो गई। तो रिवैल्यूड अमाउंट बता दें कितनी है? 45, तो यानी 45,000। हम रुपीज इन थाउजेंड में सवाल कर रहे हैं। रिवैल्यूएशन सरप्लस 10380, तो यही रिवैल्यूएशन सरप्लस में भी अमाउंट आ जाएगी 10380। यहां तो कोई मसला नहीं। ओके okay।
उसके बाद एक डेप्रिसिएशन चार्ज कर लें सही वाली के, सारी इकट्ठी कर दें, इकट्ठी कर देते हैं, क्योंकि अब रिकवरेबल अगली वो ट्रांजेक्शन आ रही है 30 जून 15 पे, जब रिकवरेबल अमाउंट है, जब इंपेयरमेंट टेस्टिंग करनी है, तो बीच में तो ऐसी बट डेप्रिसिएशन ही चार्ज करेंगे, तो इकट्ठी चार्ज कर लेते हैं, कर सकते हैं इकट्ठी के नहीं? हाँ, स्ट्रेट लाइन मेथड है, इकट्ठी ईजिली कर सकते हैं। तो ठीक है जी, अगली डेप्रिसिएशन आप कब चार्ज होगी? 30 जून 15 पे। ओके, 30 जून 15 पे बताइए सबसे पहले कि कितने साल बनते हैं, यहां से कैलकुलेट करके बताएं कितने साल बनते हैं जी। देखिए 2011 की डेप्रिसिएशन, 12 की, 13 की, 14 की और 15 की, 5 साल बनते हैं। ये बात एग्रीड है सब? Yes. सब यहां पे साथ है कि 5 साल की डेप्रिसिएशन बनती है। अब अगला सवाल कि डेप्रिसिएशन एक इस साल की चार्ज कितनी होगी? रिवाइज्ड बुक वैल्यू, क्या रेजिडुअल वैल्यू में कोई चेंज है? उसने नहीं बताया, उसने कहा सेम है। रिमेनिंग जिंदगी कितनी बची मेरे भाई? कितनी? 10.5, क्योंकि 15 में से 4.5 साल तो गुजर गए ना ऊपर, तो इसका मतलब है 10.5 साल की जिंदगी ये आ गई 1 साल की डेप्रिसिएशन। सब अच्छा है, और हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? 5 से। हमें 5 साल की डेप्रिसिएशन चाहिए, तो जो सलूक इसके साथ वही सलूक इसके साथ, 10 380, इसमें से भी ये 2000 माइनस करेंगे, इसमें से क्यों करेंगे? तो रेजिडुअल वैल्यू है मेरे भाई 10.5 × 5, ऐसा सवाल होना चाहिए। 5 साल की डेप्रिसिएशन इकट्ठी क्यों सर? बताइए जी अमाउंट। 2046 2046, 9 रुपए का फर्क, 20476। और ये बताइए 4943 जी। 30/6/15 पे बुक वैल्यू बताइए कितनी है? 2445437। नहीं जी, यहां तक आके तो जिंदगी आसान थी, सवाल पुराना ही था, ये तो I-16 चल रहा था असल में, यहां तक तो I-16 था। अब आ गया जिसका सबको इंतजार था, व्हाट इज द रिकवरेबल अमाउंट? 19277। एक लाइन छोड़ के जी, इंपेयरमेंट लॉस बन गया 5247, और ये कितना है जी? 5247। बस लॉस तो कोई आया ही नहीं, सारे इसमें से एडजस्ट हो गया, बताइए 1900 बस। ओके, तो बस सवाल खत्म हो गया। एंट्रीज पूछी थी उसने, एंट्रीज क्या होंगी देख लेते हैं। सबसे पहले यहां पे एंट्री बताएं, डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 13980, क्रेडिट एसेट 13980, मानते हैं इस बात को? ओके, उसके बाद एसेट डेबिट 10380, क्रेडिट रिवैल्यूएशन सरप्लस 10380। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा जी? यहां पर आ जाए। अच्छा, उसने एंट्री सिर्फ 30 जून 15 की पूछी है, ठीक है, आखिरी साल की एंट्रीज उसने पूछी है, उसने बाकी तो पूछी नहीं है, चले कोई बात नहीं। 2015 की डेप्रिसिएशन कितनी होगी? इतनी होगी। इतनी वैल्यू निकालकर एंट्री कर दें डेबिट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, क्रेडिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ओके, ठीक होगी बात। और उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? 4095 बताया आपने, नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? इंपेयरमेंट लॉस रिवैल्यूएशन सरप्लस कितने से? 5247 से, और क्रेडिट बोले एक्यूमुलेटेड 5247 से। और इसके अलावा जो ऊपर एक्सपेंस इनकर किया 1.5 मिलियन का रिपेयर एक्सपेंस, वो भी तो इस साल ही हुआ ना, 1.5 मिलियन और क्रेडिट कैश या बैंक जो भी है 1.5 मिलियन। ओके,
एक प्रॉब्लम है, नोट तो नहीं किया सवाल अभी, दो मिनट रुक जाए, एक प्रॉब्लम है, एक चीज हम स्किप कर गए। सवाल की तीसरी लाइन पे आइए, लिखा हुआ है द प्लांट वॉज रेडी फॉर प्रोडक्शन ऑन 30 जून 15। एट दैट टाइम द कंपनीज इंजीनियर्स एडवाइज दैट द प्लांट कुड बी यूज्ड एट अ रिड्यूस्ड लेवल फॉर। सर जिंदगी तो 3 साल पे आ गई है, ये तो हम चीज स्किप कर गए, ये तो हमने देखी नहीं, हमने तो डायरेक्ट ही 10.5 साल तक लगा दी। गलती हो गई, अब करना क्या पड़ेगा, अब यहां पे एक चीज करनी पड़ेगी। ये असल में कॉन्सेप्ट आ गया चेंज इन एस्टिमेट का, चेंज इन एस्टिमेट का। चेंज इन एस्टिमेट कब होता है, अगर आपकी रेजिडुअल वैल्यू चेंज हो जाए या आपकी यूजफुल लाइफ चेंज हो जाए, यही दो बातें हो सकती है ना, या डेप्रिसिएशन मेथड चेंज हो जाए, तीन चीजें अगर चेंज इन एस्टिमेट हो। अच्छा, अब 30 जून 15 पे आके एस्टिमेट चेंज हुआ है, यही कह रहा है ना वो, क्या ख्याल है? नहीं, जनवरी 15 पे आके हमें यह पता लगा कि हमारी जो ठीक है, ओके हो गया, तो जून 15 पे आके हमें पता लगा कि हमारे जो प्लांट की यूजफुल जिंदगी है वो 3 साल पे आ गई है, मानते हैं इस बात को। अब सर होता क्या है, जब भी साल के आखिर में एस्टिमेट चेंज हो तो एज्यूम ये करते हैं कि इसका इतलाक साल के शुरू में ही हो चुका है, ठीक होगी बात, हम यही एज्यूम करेंगे कि 30 जून 15 की जो डेप्रिसिएशन है वो अब नए एस्टिमेट के साथ कैलकुलेट होगी। क्या ये बात सबको समझ आ गई? तो जब भी सवाल में चेंज इन एस्टिमेट होगा तो ये चेंज इन एस्टिमेट हमने एज्यूम करना है कि साल के शुरू से ही है। इट मीन्स कि मैंने जो 30 जून 15 तक की 5 साल की डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी ना, मैंने गलत कर दिया, मुझे 30 जून 14 तक अपने आप को आके रोक देना चाहिए था। 30 जून 14 तक ये था, 15 के आखिर में आके एस्टिमेट चेंज हुआ, मतलब वो 1 जुलाई 14 से चेंज हो गया। तो अगर वो एस्टिमेट 1 जुलाई 14 से चेंज हो गया तो इसका मतलब है कि 2015 की डेप्रिसिएशन मुझे 3 साल पे निकालनी पड़ेगी। क्या ये बात समझ आती है? 2015 की डेप्रिसिएशन मुझे फिर 3 साल पे निकालनी पड़ेगी। ये बात सबको समझ आती है? तो शायद ये 30 जून 15 के बाद हमारा सवाल थोड़ा सा गलत है, हम इसको ठीक करना पड़ेगा। ये चीज स्किप हुई है भाई, ये दोबारा नोट तो नहीं किया था यहां तक, इसलिए कहता हूं साथ साथ ना किया करें। इसको 5 नहीं करेंगे, इसको 4 करेंगे, और यहां से हम सवाल को चेंज करते हैं। माजरत जी, ये चीज सवाल में से स्किप हो गई, कोई बात नहीं, खैर आधे नंबर आ जाएंगे, पास तो फिर भी हो जाएंगे। मैं अपनी बात करूं, आप तो सही करेंगे, इंटू फोर, और हम आके रुकते हैं 30 जून 14 पे। बताइए, चार ही होगा ना, चार ही बनेगा ना भाई, बोले 16381। और ये बताइए, नहीं कोई समझ आ रही है? ओके, बताइए 3954। बताइए जी, हमारी जो बुक वैल्यू है 30 जून 14 पे कितनी बनी? 28619। और ये 6426। ले जी, ये बन गई जी हमारी बुक वैल्यू। यहां तक आप बल्कि काम करें, नोट करें पहले, यहां तक नोट करें फिर आगे शुरू करते हैं, यहां तक पहले साथ ले हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। सॉल्यूशन को छोड़ दे यार, सॉल्यूशन गलत होगा, सॉल्यूशन तो मैं आपको 3-4 और भी दिखा सकता हूं जो गलत है।
जी नोट हो गया यहाँ तक। ओके जी आइए। इन जनवरी 2015 वन ऑफ इट्स प्लांट सफर्ड अ मेजर ब्रेकडाउन। ओके अब जरा बात को ध्यान से समझिएगा। हमने 30 जून 14 तक अपनी डेप्रिसिएशन सारी चार्ज कर दी हुई है। 15 सही जा रहा था, यकम जुलाई 14 से लेके 31 दिसंबर 14 तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वही जिंदगी 10.5 साल मौजूद थी। लेकिन जैसे ही जनवरी 15 आया, प्लांट जो है वो ब्रेकडाउन में चला गया और वहाँ पे हमें पहली इंडिकेशन आई कि अब ये एसेट 10.5 साल की यूजफुल लाइफ की बजाय बकाया इसकी ज़िंदगी 3 साल की रह गई है। कैसा ही है वो बोले, जहरी बात है जब ब्रेकडाउन हुआ होगा तभी उसकी यूजफुल लाइफ नीचे गिरी होगी ना, क्या ख्याल है? तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम 6 महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे इसी 10.5 साल से, और जो अगली यकम जनवरी से ऑनवर्ड चार्ज करेंगे वो हम चार्ज करेंगे किससे, जो बकाया 3 साल बचे हैं उससे। क्या ये बात सबको समझ आ गई? सही बात है, जब हमें इंडिकेशन मिली कि भाई अब एसेट में मसला है तो तभी हमने उसकी यूजफुल लाइफ चेंज करनी है ना। पहले 6 महीने तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पहले 6 महीने तो हम 10.5 साल भी बैठे होंगे, ठीक है? तो पहले 6 माह की डेप्रिसिएशन होगी 10.5 साल पे, और जनवरी पे खड़े होके कितनी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ रह गई? सर 3 साल तो जून पे खड़े होके है, जनवरी पे तो 3.5 साल है। ओके ये देखिए बात को जरा समझें, टाइमलाइन बनाते हैं। ये है जी 30 जून 14 जिस पे आप अभी मौजूद हैं, ठीक होगी बात? दिस इज 30 जून 15, और ये आगे यूजलेस है वैसे बनाना। ले जी सेंटर में आके 31 दिसंबर, यहां पर आके प्लांट हुआ जी ब्रेकडाउन, और आपको ये इंडिकेशन मिल गई कि अब इस एसेट की जिंदगी जो है ना वो बहुत थोड़ी बची है, अब वो 10.5 साल नहीं है, अब बल्कि वो कम हो गई। ओके यहां पे खड़े होके उसने 3 साल की जिंदगी बताई हुई। ये जरा सवाल दोबारा पढ़े, उसने बताया कि द प्लांट वॉज रेडी फॉर प्रोडक्शन ऑन 30 जून 15 एट दैट टाइम, यानी जब प्लांट रेडी फॉर प्रोडक्शन था उस वक्त, द कंपनीज इंजीनियर्स एडवाइज दैट द प्लांट कुड बी यूज एट अ रिड्यूस्ड लेवल फॉर 3 ईयर्स ओनली, ये बस 3 साल इस्तेमाल हो सकता था यहां पे खड़े होके। लेकिन यहां पर आपको इंडिकेशन आई थी जब प्लांट ब्रेकडाउन हुआ कि भाई एसेट फारग हो गया, क्या ख्याल है? तो इसका मतलब है कि 3 साल तो यहां से आ गया ना, तो 6 माह ये वाले भी तो है, तो क्या यहां पे खड़े होके एसेट की जिंदगी 3.5 ईयर्स नहीं है? तो भाई ये वाली डेप्रिसिएशन चार्ज होगी बिल्कुल उसी तरीके से 10.5 से जो हम चार्ज करते आए हैं, लेकिन 6 माह की, 6 मंथ्स की। फिर अगली डेप्रिसिएशन यहां तक चार्ज होगी 3.5 यूजफुल लाइफ के साथ, 6 मंथ्स की। बात समझ आई? तो शायद ये चेंज इन एस्टिमेट कंसिडर होगा ऑन यकम जनवरी 2015। मुझे वहां पे अपनी रिवाइज्ड बुक वैल्यू और वो सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। ओके तो अब जरा गौर कीजिए, पहली डेप्रिसिएशन खत्म होगी जाके 31 दिसंबर 14 को डेप्रिसिएशन, और ऐसी रहेगी, कोई फर्क नहीं है। 45,000 माइनस 2,000 डिवाइडेड बाई 10.5, लेकिन 6/12, क्या ख्याल है? 6 माह की डेप्रिसिएशन। ओके 6 माह की डेप्रिसिएशन, और वही सलूक दूसरे के साथ, 10 380 10.5 × 6/12, जगह थोड़ी सी कम हो गई है, गुजारा कर लें जी। बताइए अब बताएं मुझे 6 माह की डेप्रिसिएशन कितनी बनती है? 2048। और ये बताइए, फोर नाइन्टी फोर। और मुझे बुक वैल्यू बता दीजिए
कि बुक वैल्यू एज ऑन 31 दिसंबर 2014 कितनी बनी? 2657 1। और ये बता दें 5932। ले जी, ये आपके पास बुक वैल्यू आ गई 31 दिसंबर 2014 पे। और इसके बाद आपको पता लग गया कि भाई अब चेंज इन एस्टिमेट हो चुका है, क्यों? आपकी यूजफुल लाइफ चेंज हो गई है। लेकिन उसने ये बता दिया कि द साल्वेज वैल्यू हैज नॉट चेंज, आखिरी पॉइंट में लिख रहा है द साल्वेज वैल्यू हैज नॉट चेंज, इसका मतलब है कि हमारी रेजिडुअल वैल्यू वही 2000 है। तो ठीक है जी, अब अगली डेप्रिसिएशन आप करेंगे 30 जून 2015 पे, लेकिन एस्टिमेट चेंज हो तो क्या करते हैं? रिवाइज्ड बुक वैल्यू माइनस रिवाइज्ड रेजिडुअल वैल्यू जो कि उसने बता दिया चेंज नहीं हुई, डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ जो कि हम डिसाइड कर चुके कि 3.5 है। ठीक होगी बात, 3.5। और 6/12 तो करना ही पड़ेगा क्योंकि 6 महीने की है। ओके, और वही सलूक इसके साथ 5932 डिवाइडेड बाय 3.5 इंटू 6/12, बताइए 3510। और ये बताएं 847। बताइए जी बुक वैल्यू कितनी है? 23062। ये बता दें 23061। और ये ले जी, उसके बाद रिकवरेबल अमाउंट यहीं पे पता लग जाएगी, रिकवरेबल 19277। इंपेयरमेंट लॉस कितना बन गया? 3784। ये तो सारा इसमें से ही एडजस्ट हो जाएगा, कितना बनता है जी? 1301। ले जी, एंट्रीज अब क्या करेंगे? एक तो 1.5 मिलियन की एंट्री हो जाएगी रिपेयर की, डेप्रिसिएशन की आपकी 15 की कौन कौन सी एंट्री होगी? एक ये एंट्री हो जाएगी और एक ये एंट्री हो जाएगी, ठीक है। और एंट्री क्या करेंगे आप? डेबिट डेप्रिसिएशन, क्रेडिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, डेबिट डेप्रिसिएशन, क्रेडिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये सरप्लस है जी इंक्रीमेंटल, डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट रिटेन्ड अर्निंग्स, डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट रिटेन्ड अर्निंग्स। इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री होगी? डेबिट इंपेयरमेंट लॉस, क्रेडिट एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस। और इसकी डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट एक्यूमुलेटेड, नहीं, डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस, एक ही एंट्री होगी इसकी, दो तो नहीं ना होगी। उसकी एंट्री क्या होगी? डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस 3784, यही होगी ना भाई? दोनों की दोनों दफा थोड़ी करनी है, ये लें जी। तो भाई प्रॉब्लम थी चेंज इन एस्टिमेट में, अगर सवाल में चेंज इन एस्टिमेट ना होता तो जिंदगी आसान थी, लेकिन चूंकि अब चेंज इन एस्टिमेट आ गया तो अब थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, तो अब हमें ये चीज देखनी पड़ेगी। ठीक होगी बात जी? हाँ, तो साल का शुरू ही कंसिडर करना है, वो बीच में आए एंड पे आए जब मर्जी है, आपने चेंज इन एस्टिमेट की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो साल का शुरू ही कंसिडर करना है। ठीक होगी बात? इंशाल्लाह परसों एक सवाल करेंगे और IS-16 का, IS-36 आपका ना कंप्लीट हो चुका हुआ है, अब इसमें कोई नई बात नहीं। और अब IS-16 की दो तीन चीज़ें हमारी रह गई हैं, चेंज इन एस्टिमेट का, एक मिनट दीजिएगा, चेंज इन एस्टिमेट का, सॉरी, IS-16 में एक सवाल है पियानो लिमिटेड वाला जिसके अंदर भी ये चेंज इन एस्टिमेट का जिक्र है, वो भी ये सवाल करके तो मज़ीद इस चीज़ को बेहतर करेंगे। फिर हमारी रिवैल्यूएशन की वर्किंग हमने रिड्यूसिंग बैलेंस के साथ अभी नहीं की, वो सवाल करना है। फिर हमने अभी तक मिड ईयर रिवैल्यूएशन का सवाल नहीं किया हुआ, तो ये दो तीन चीज़ें इंशाल्लाह हम अगली क्लास में ख़त्म करके तो फिर देखेंगे एक्रूवल एंड प्री पेमेंट्स की तरफ जाएंगे, जिसकी बेस पे हमने बोरिंग कॉस्ट पढ़नी है। जी जी, इसीलिए कि हमारे पास 1 जुलाई 2014 को कोई इंडिकेशन थी नहीं कि एस्टिमेट चेंज होगा, हम तो बिल्कुल ठीक जा रहे थे, लेकिन जैसे ही 1 जनवरी 2015 आया, प्लांट ब्रेकडाउन हुआ, असल में इंडिकेशन तो वहां से मिली ना, इसीलिए हमने ये किया। जो अगला सवाल करेंगे ना पियानो लिमिटेड वाला, वहां पर चीजें मजीद बेहतर हो जाएंगे, मजीद कॉन्सेप्ट बेहतर हो जाएगा। आई वुड रिकमेंड के पियानो लिमिटेड वाला सवाल आप करके आइएगा, ये पास पेपर में है IS-16 में,
ओके, तो मंडे को डिस्कस करेंगे, मुलाकात होती है परसों, अल्लाह हाफिज़।